हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके क्रिएशंस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील। ये हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग है और ये हमारी गाड़ी का गियर बॉक्स। ये हैंड ब्रेक डाउन करके क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर में डालना गाड़ी और एक्सलेटर स्लो देते हुए गाड़ी को मूव करना। फ्रेंड्स, ये हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग है और ये 1.5 रोटेट होती है लेफ्ट साइड और राइट में भी 1.5 रोटेट होती है। ये गाड़ी का गियर बॉक्स है और ड्राइविंग चलाते वक्त राइट हैंड स्टीयरिंग पे रहना और एक लेफ्ट हैंड गियर बॉक्स पे रहना। फ्रेंड्स, ये गाड़ी रुके जब स्टीयरिंग बहुत हार्ड टर्न होती और गाड़ी मूवमेंट रन होते बहुत स्मूथ होती और स्टीयरिंग को एक हाथ से मेंटेन करना है, यूज़ करना है। पकड़ने का तरीका स्मूथली पकड़ना और नॉर्मली पकड़ना गाड़ी की स्टीयरिंग को, हार्ड पकड़ना नहीं। फ्रेंड्स, ये गाड़ी टर्न करते वक्त पूरा हाथ से कट नहीं पकड़ना, ये हथेली से कंट्रोल करना, टर्न करना इजीली होता। फ्रेंड्स, जब स्टीयरिंग टर्न करना है तो दो हाथों से ऐसा नहीं करना, लॉक हो जाता हाथ। एक हाथ से टर्न करना और मूव होते वक्त ईजीली टर्न होती स्टीयरिंग, ऐसा टर्न करना एक हाथ से। जब गाड़ी चलाते वक्त ये स्ट्रेट यहाँ पे राइट साइड में पकड़ना, ऊपर या नीचे नहीं पकड़ना, यहाँ पे नहीं ऊपर नहीं, यहाँ पे राइट साइड में पकड़ना स्टीयरिंग को, तो अच्छा टर्न होने आता, इजी आता टर्न करने गाड़ी की स्टीयरिंग। और लॉन्ग ड्राइव पे गए तो यहाँ पे पकड़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन देखिए पकड़ना। और गाड़ी चलते वक्त ज़्यादा रेस्ट लेना है, आर्म रेस्ट तो हाथ इस पे रख के ले सकते आराम। और कार टर्न करते वक्त ऐसा हथेली से टर्न करना है पूरी, दो हाथा नहीं लगाना, एक हाथ से टर्न करना है। ये पावर स्टीयरिंग नहीं होती, पावर स्टीयरिंग और इजीली कट होती। ये नॉन पावर स्टीयरिंग है गाड़ी। टर्न एक हाथ से मेंटेन करना स्टीयरिंग और गियर बॉक्स एक हाथ से, क्लच ब्रेक एक साथ वक्त। हाईवे पे कहीं पे भी दो हाथ से स्टीयरिंग नहीं पकड़ना, अनकंट्रोल हो जाती गाड़ी, शेक हो जाती। और ज़र्रा टर्न करे तो पूरी गाड़ी टर्न हो जाती। दो हाथ से रखना यूज़ करना गलत है, नहीं यूज़ करना, एक हाथ से यूज़ करना स्टीयरिंग और गियर एक हाथ से लेफ्ट हैंड से। और टर्निंग में लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं पे भी टर्न करना है तो देख के टर्न करना, रोड के हिसाब से फुल टर्न नहीं करना, सोच समझ के और स्पीड और टर्निंग पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट के हिसाब से कट करना। फ्रेंड्स, ये हमारी गाड़ी ओल्ड मॉडल की है, इसमें ज़्यादा फ्यूचर्स नहीं है स्टीयरिंग में, खाली हारन एक है। और नए मॉडल के गाड़ियों में ज़्यादा फ्यूचर्स रहते हैं, ज़्यादा बटन्स रहते हैं, कार्लिंग के, गीलिंग के और साइड मिरर्स के सेटिंग्स रहते हैं पूरे। और ये हमारी गाड़ी के स्टीयरिंग में एयरबैग रहता है नए गाड़ियों को, यहाँ पे बीच में रहता है और बटन्स रहते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड में न्यू कार्स को ज़्यादा फ्यूचर्स रहते हैं और देख समझ के चलाना रहता गाड़ी, फ्यूचर्स अच्छे रहते उसमें। और ये गाड़ी को लॉक सिस्टम रहता, हैंडल लॉक जैसे बाइकों को रहता वैसा सेम आपको आगे बता दो, मैं दिखाता हूँ लॉक कैसा रहता फोर व्हीलर्स को, स्टीयरिंग लॉक रहता। फ्रेंड्स, ये एयरबैग्स के गाड़ियों को सीट एडजस्ट करके बैठना रहता, सीट एडजस्ट करना हाइट के हिसाब से। और ये एयरबैग्स आके सीधा चेस्ट को लगता और ज़ोर से लगता, ज़्यादा मार भी लग सकती। और इतना डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना एयरबैग्स की गाड़ियों को। और गाड़ियों को एयरबैग्स दो भी रहते हैं और थोड़े गाड़ियों को ज़्यादा भी रहते हैं एयरबैग्स, एक स्टीयरिंग में रहता और एक लेफ्ट साइड में बैठे वालों को पैसेंजर को यहाँ पे रहता,
सामने डैशबोर्ड के पास। जैसे कि हमने कहा था न्यू फीचर्स वाली गाड़ी लगाएंगे आपको, दिखाएंगे आने वाले वीडियोस में। देखते रहिएगा वीडियोस हमारा चैनल आर के क्रिएशंस। और अब आपको दिखाएंगे लॉक कैसे करते हैं, स्टीयरिंग लॉक जैसे व्हीकल के वैसा, सेम बाइक के जैसा स्टीयरिंग लॉक। चाबी पूरी हाफ कर देना और लॉक कर देना। फ्रेंड्स ऐसा पूरी गाड़ी चाबी हाफ करना, लॉक पड़ जाता गाड़ी का। और गाड़ी स्टीयरिंग इधर भी टर्न नहीं होती, उधर भी टर्न नहीं होती, पूरा हाफ हो जाती। ऐसा लॉक पड़ जाती गाड़ी, कहीं पे भी जाती भी नहीं, कुछ भी होता भी नहीं। ऐसा लॉक डाल देना गाड़ी को। फ्रेंड्स ये गाड़ी है, लॉक गाड़ी को अनलॉक कैसा करना बोले तो चाबी की इंसर्ट करके ऑन करना, ऑन करे तो अनलॉक हो जाती गाड़ी। देखिए अनलॉक हो गई गाड़ी। लॉक फ्यूचर अच्छा है गाड़ियों में, पूरे व्हीकल्स में है लॉक फ्यूचर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप अपना चैनल देखिए आरके क्रिएशंस, अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।